एम रवि कुमार कोच ऑफ कर्नल शार्पशूटर जालंधर। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ VX100 स्पार्टन मार्क टू राइफल। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फायरिंग टेस्टिंग करके देखेंगे, इसकी एक्यूरेसी के बारे में भी जानेंगे कि ये राइफल कितनी एक्यूरेट है। और मैं आपको बता दूं कि इस राइफल को लेने के लिए आपको किसी भी तरह की लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इसकी जो पावर है वो 20 जूल से नीचे इसकी पावर है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके साथ क्या कुछ मिलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, कंपनी ने अपनी सील करके इस बॉक्स को भेजा हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये इस तरह के फॉर्म के कवर के अंदर आती हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसके साथ एक मेन्यू दिया जाता है, इसके अंदर इसको यूज़ करने का तरीका और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बताई गई है। और ये इसके साथ 50 पैलेट्स दिए जाते हैं इसके सैंपल के तौर पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये इस तरह की फॉर्म की कटिंग के अंदर प्रॉपर इस राइफल को भेजा जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट के अंदर इस राइफल के अंदर किसी भी तरह का डैमेज ना हो। अब मैं आपको राइफल दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, लुक वाइज बड़ी अच्छी राइफल है ये। और इस राइफल के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि जैसे कि राइफल के अंदर जो कि जो साइट है, ये बैक साइट है, ये एडजस्टेबल है, और जो फ्रंट साइट है वो एडजस्टेबल नहीं है। और इस राइफल की जो पावर है वो 60 जूल्स के अंदर इसकी पावर आती है। और ये 4.5 mm की राइफल है और ब्रेक बैरल राइफल है ये। और आजकल जो स्कूल के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो होते हैं ओपन साइट के, वो भी उस इवेंट में भी ये राइफल काफ़ी कारगर है। और आज हम इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे और देखेंगे कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है। चलो आप देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारे 10 मीटर की शूटिंग रेंज है, और 10 मीटर की शूटिंग रेंज में ये हमारा टारगेट है। और इस टारगेट के ऊपर हम फायर करके देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। और जैसे कि मैं बता दूं कि जो इस राइफल का वेट है वो 3.3 kg के अंदर जो इसका वेट है, और जो बैरल लेंथ है वो 450 mm के अंदर इसकी बैरल लेंथ आती है। तो चलो हम फायर करके देखते हैं। जैसे कि ये हमारा बिल्कुल फ्रेश टारगेट है, और इस फ्रेश टारगेट में हम फायर करके देखते हैं कि हमारी जो इस राइफल की जो एक्यूरेसी है वो कितनी रहती है। इसको लोड करना बहुत इजी है। ये हमारे पैलेट से 4.5 mm के, लोड करने के बाद अगर आप डायरेक्टली इसको फायर करना चाहोगे तब फायर नहीं होगी है, बिकॉज इसके अंदर एक सेफ्टी लॉक दिया गया है। आप इसको अनलॉक करोगे उसके बाद ही ये फायरिंग मोड में आएगी। तो जैसे कि अभी मैंने एक फायर किया है, और अभी देखते हैं कि जो हमारा शॉट है वो किस जगह पे लगा है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि जो इस राइफल की एक्यूरेसी कितनी है। तो जैसे कि आपने ये शॉट देखा कि वो नियर अबाउट बुल्स आई के काफ़ी नज़दीक शॉट गया है। और अगर आप कंटिन्यूसली अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो आप बिल्कुल बुल्स आई हिट करने लग जाओगे। और ये काफ़ी अच्छी राइफल है, मतलब मार्केट के अंदर इसकी काफ़ी डिमांड है, और ये चीप एंड बेस्ट रेट के अंदर ये राइफल आती है। और अगर आपको राइफल के बारे में और अधिक अगर जानकारी लेनी है, तो जो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9888-222-248, या जो हमारी वेबसाइट है कर्नल शार्पशूटर.com पे जाके हमें संपर्क कर सकते हो।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।